अगर कोई इक्वेशन खूबसूरत नहीं है तो वो गलत होगी। क्या बात है। तो साइंस के अंदर भी पोएट्री है। ब्रह्मांड के अंदर जिस तरह की दीपावली लगातार मनाई जा रही है, ये ब्रह्मांड मना रहा है, उसमें वही खूबसूरती है जो समाज के अंदर दीपावली मनाने में। मैं इसको एक कंप्लीट मूवमेंट इस तरह से मानता हूँ कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने पूरी सरकार चलाई, पैरेलल सरकार चलाई। बिल्कुल। उनकी एक एजुकेशन पॉलिसी थी और एजुकेशन का ढांचा था, उनकी एक हेल्थ पॉलिसी थी और उसका ढांचा था, उनकी एक फूड पॉलिसी थी और उसका ढांचा उन्होंने क्रिएट किया, उनकी एक मीडिया पॉलिसी थी जिसका उन्होंने एक ढांचा तैयार किया, उनकी एक सर्वेलियंस की पॉलिसी थी। सबसे बड़ा शौक यह है कि अगर सस्टेन किया जा सके मूवमेंट तो आप सबसे बड़े फैशिस्ट फोर्स को झुकने पर मजबूर कर सकते। सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ी गई, ये हर गांव में लड़ी गई। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि जीत किसानों की होगी और ये मैं बात 2014 के बाद से लगातार कह रहा था कि फैशिस्ट फोर्सेस को दो तरफ से खतरा बड़ा पैदा होगा, एक किसानों की तरफ से और दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ से। तो ये जो आरएसएस की सरकार है ये इस मुल्क को पाकिस्तान की इमेज में ढालने की कोशिश में लगी हुई, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। और वो जो 70 साल में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने हैं उनको पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं। कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैं पॉलिटिकल शायरी के अलावा और कोई शायरी करता ही नहीं, इसलिए भी के दूसरी तरह की शायरी करने वाले बहुत लोग हैं। नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एक मुलाकात। आज हम मुलाकात कर रहे हैं प्रख्यात शायर हैं, मीडिया कर्मी हैं और पॉलिटिकल थिंकर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गौहर रजा साहब वो हमारे बीच में हैं। उनसे एक मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी और सामाजिक जो उनकी ज़िंदगी है उससे जुड़ी हुई कुछ बातें। गौहर साहब, आप इतनी तरह के काम करते हैं, आप बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं, सामाजिक चिंतक भी हैं, राजनीति पे भी आप बहुत ही शार्प अपनी समझ रखते हैं, इतने सारे काम आप कैसे कर लेते हैं? इसमें कोई ख़ास बात नहीं है जी। एक इंसान को, एक नागरिक को, एक ऐसी जीव को जो इस प्लैनेट अर्थ पे रहता है और सोचता है, ये सारे काम करता ही है जी। कुछ लोगों के, मेरे जैसे लोगों के कामों के बारे में आप पूछने लगते हैं, लेकिन आप भी यही करते हैं, समाज की चिंता भी करते हैं, एक फादर भी होते हैं हम, एक नागरिक, आम नागरिक भी होते हैं, एक साइंटिस्ट भी होते हैं, घर में हम झाड़ू पोछा भी करते हैं। तो ये सारे काम हर इंसान करता है, मैं कोई ख़ास आदमी नहीं हूँ। बात यह है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी को कम्प्लीटली जीने की चाह होनी चाहिए, यानी ज़िंदगी को पूरी तरह से जिए हम थोड़ी पॉलिटिक्स की समझ रखें, हम थोड़ी क्रिएटिविटी हो हमारे अंदर जो हर इंसान के अंदर होती है और उसका इस्तेमाल करें। तो साइंस के बिना इंसान इंसान नहीं हो सकता, लिटरेचर के बिना इंसान इंसान नहीं हो सकता, कविताएँ, म्यूज़िक, पेंटिंग, इनके बिना इंसान इंसान कैसे हो सकता है। लेकिन उस इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना भी पकाना होता है, झाड़ू पोछा भी करना होता है, घर के अंदर बाहर निकल के दोस्तों से भी मिलना होता है, रिश्तेदारी भी करनी होती है, ये सब कुछ एक कंप्लीट इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं करता मैं जो नहीं की जाती। इसमें अक्सर ये सवाल उठता है कि साहब आप साइंस और कविता को कैसे मिलाते हैं, अक्सर लोग पूछ लेते हैं ये सवाल, शायद आपके जहन में भी हो। बिल्कुल। तो मैं वापस साइंस की बात करता हूँ। एक आइंस्टाइन की कोटेशन है जी कि अगर कोई इक्वेशन खूबसूरत नहीं है तो वो गलत होगी।
क्या बात है। तो साइंस के अंदर भी पोएट्री है, ब्रह्मांड के अंदर जिस तरह की दीपावली लगातार मनाई जा रही है, ये ब्रह्मांड मना रहा है, उसमें वही खूबसूरती है जो समाज के अंदर दीपावली मनाने में है। बिल्कुल। तो साइंस में भी क्रिएटिविटी चाहिए, लिटरेचर में भी क्रिएटिविटी चाहिए, पोएट्री में भी क्रिएटिविटी चाहिए। आप उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो उस क्रिएटिविटी का, तो वो पोएट्री में भी निकलती है, साइंस में भी निकलती है, लिटरेचर में भी, म्यूजिक में भी। कोई खास बात नहीं है कि साइंस भी कर ले और कविता। गौर साहब, पिछले दिनों आप किसान आंदोलन में काफ़ी व्यस्त रहे और बहुत लीडरशिप की जगह पे आपने काम किया है, तो ये जो मोर्चे की जीत है इसको आप कैसे देखते हैं? मोर्चे की जीत एक ऐतिहासिक जीत है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए। बिकॉज मेरा ये मानना है कि मानवता ने इतना बड़ा और इतना लंबा मूवमेंट इतने लोगों की भागीदारी के साथ इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बहुत सारे आयाम थे और इसलिए मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है इस दुनिया में कि 1,00,000 औरतों ने विमेंस डे मनाया। मुझे नहीं मालूम कि कभी भी जब से मानव अधिकारों में औरतों के हकूक शामिल हुए हैं जी, तब से आज तक इतना बड़ा कोई डेमोंस्ट्रेशन हुआ। मैं इसको एक कंप्लीट मूवमेंट इस तरह से मानता हूं कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने पूरी सरकार चलाई, पैरेलल सरकार चलाई। बिल्कुल। उनकी एक एजुकेशन पॉलिसी थी और एजुकेशन का ढांचा था, उनकी एक हेल्थ पॉलिसी थी और उसका ढांचा था, उनकी एक फूड पॉलिसी थी और उसका ढांचा उन्होंने क्रिएट किया, उनकी एक मीडिया पॉलिसी थी जिसका उन्होंने एक ढांचा तैयार किया, उनकी एक सर्वेलियंस की पॉलिसी थी, उनके अपने लोग थे जो सर्वेलियंस कर रहे थे कि बाहर से आने वाली शक्तियां जो तोड़फोड़ करना चाहेंगी, जो बदनाम करना चाहेंगी उनके खिलाफ। और इसमें किसान मूवमेंट में हर एक शख्स जो भागीदार था वो अपनी जिम्मेदारी अपने आप संभाल रहा था और समझ रहा था। ढांचा तो था ही कि 35-36 ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ थी, उससे ज़्यादा साथ थी लेकिन शुरुआत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, पर वो जो लीडरशिप थी वो खाली जिम्मेदारी नहीं ले रही थी, लोग जिम्मेदारी तो लोग ले रहे थे जो वहाँ मौजूद थे। तो उनकी हेल्थ पॉलिसी से लेकर के फूड पॉलिसी से लेकर के वो उन्होंने पूरी सरकार चलाई है, और वो सरकार 1-2 दिन नहीं चलाई, साल भर चलाई। तो ये एक रिमार्केबल, बिल्कुल एक अद्भुत मूवमेंट था जिसको पूरी मजबूती के साथ चलाया गया। और मेरा मानना यह है कि ये अब दुनिया के और जो मूवमेंट्स हैं उनको इंस्पायर करेगा, उनको प्रेरणा देगा। भारत में किस तरह के असर इस थैचर के बाद ट्रेड यूनियन के ऊपर, किसानों के ऊपर और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा हमला दुनिया भर में था। ये जो मूवमेंट है ये दुनिया के और मूवमेंट्स को इंस्पायर करेगा जी। बहुत सारे सबक इस आंदोलन से निकले हैं, सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी और ख़ासतौर पर किसानों के लिए भी। तो आपको क्या लगता है, क्या सबक? सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर सस्टेन किया जा सके मूवमेंट तो आप सबसे बड़े फैशिस्ट फोर्स को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम सस्टेन मूवमेंट चला सकते हैं? वो दौर चला गया कि आप एक मांग को लेकर के एक कोई बड़ा प्रदर्शन कर दें जी और उससे आपकी मांग मांग ली जाए। जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो इतना मजबूत हुआ है और उसका असर हमारी सरकारों के ऊपर दुनिया भर में और हमारे देश में भी इतना ज़्यादा है कि एक किसी एपिसोड से एक बार आप मांग उठा दें और एक प्रदर्शन कर दें उससे वो माने नहीं।
सस्टेन मूवमेंट की अब जरूरत है और लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, मिलके लड़ना पड़ेगा मिलके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन की जो मैंने देखी, बहुत ही क्रिएटिव ये आंदोलन था, लगातार कुछ ना कुछ नया हो रहा था लोगों को जोड़ने के लिए, बुलाने के लिए, और एजेंडा एक सेट किया जाता था। पहले ये हुआ है इस आंदोलन से पहले कि सरकार एजेंडा फिक्स करती थी और बाकी जो लोग हैं वो उसका जवाब देते घूमते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों ने एजेंडा तैयार किया और सरकार को जवाब देना पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये क्रिएटिव मूवमेंट इस तरह से था कि ये हर हमले का जवाब देने के लिए नई स्ट्रेटजी बना रहा था। जी, शुरुआत में वो खाली मीडिया के लेवल पर था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि लगा कि मूवमेंट खत्म हो जाएगा जी। उसका बहुत क्रिएटिव जवाब किसानों ने दिया और उसकी वजह से सस्टेन हुआ। इसमें हमारे लिए जो सबक सबसे बड़ा वो ये है कि अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो बैकअप जो होना चाहिए, जो 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 ढांचा क्रिएट करने की जरूरत है, सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ी गई, ये हर गांव में लड़ी गई और उसके लिए एक ढांचा तैयार किया गया जो बहुत क्रिएटिव ढांचा था, जो एक दिन में तैयार नहीं हुआ। उसकी लंबी लड़ाई थी ये अलग बात है कि एक दिन में ये मूवमेंट भी नहीं पैदा हुआ, लेकिन जो ढांचा तैयार हुआ वो इस तरह का था कि गांव के अंदर लोग किस तरह से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के काम करेंगे, यानी गांव के अंदर लोगों को परेशानी ना हो जब वो लड़ाई दिल्ली के शहर में लड़ रहे हैं। जी जी, तो वहाँ से सप्लाईज का आना, वहाँ से लोगों का बाई टर्न आना लगातार, ये बहुत क्रिएटिव था। मीडिया को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो क्रिएटिव था, अपना मीडिया तैयार करना वो बहुत क्रिएटिव था। लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो हमें साल भर में दिखाई देती है कि लीडरशिप की एजुकेशन कैसे हुई। हमें ये दिखाई देता है कि पहले दूसरे जो इंटरव्यूज हैं उन लोगों के वो और जो बाद के इंटरव्यूज हैं, अगर दोनों को कंपेयर करें तो कितनी बड़ी एजुकेशन लीडरशिप की हो रही। आम भागीदार की तो हुई वो तो हो ही रही थी, वो तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन खुद टिकैत साहब का पहला इंटरव्यू जो मुझे दिखाई देता है बीबीसी के ऊपर, उसमें वो कितने नर्वस है, ये सब जाहिर है। और आखिर में गजब का कॉन्फिडेंस। और उनकी पॉलिटिकल एजुकेशन यहां से शुरू होती है कि उनकी लड़ाई इस प्रधानमंत्री से नहीं है, उनकी इस रूलिंग पार्टी से लड़ाई नहीं है जी। और यहां से वो चल के सफर करते करते यहां आते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी से लड़े बिना किसान जीत नहीं सकते। तो ये पॉलिटिकल एजुकेशन भी जो है वो बहुत बड़ी बात है लीडरशिप की। आपको लगता था कि सरकार इस तरह से इस जगह पे आके मानेगी, झुकेगी? मैंने जब ये मूवमेंट शुरू हुआ है और दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचा है, उसके 15-20 दिन के अंदर वो नज़्म लिखी थी जो बहुत चली और जी जी। लोगों तक वो नज़्म मैंने बिल्कुल शुरुआत में लिखी थी, और उसमें जो मुझे उम्मीद थी वो पूरी साबित हुई। तो मेरे अंदर का शायर तो कम से कम था ही जी, कॉन्फिडेंट के किसान लड़ेंगे और जीतेंगे। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए। अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं, और इसी में ही ये लाइनें हैं कि अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, झूठे वादों से ये टलने वाले नहीं। और इसी की अगली लाइनें हैं कि उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी, तुमसे पहले भी ताजिर बहुत आए, उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। और आखिरी लाइनें ये भी कह रही थी उसकी नज़्म की कि आने वाले जमाने का इतिहास भी शाहराहों पे ही अब लिखा जाएगा। तो पहुंची, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि जीत किसानों की होगी। और ये मैं बात 2014 के बाद से लगातार कह रहा था कि फैशिस्ट फोर्सेस को दो तरफ से खतरा बड़ा पैदा होगा, एक किसानों की तरफ से
और दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ से। और कोरोना की आड़ में छुप करके ये सरकार खास तौर से और आरएसएस अब नहीं चाहती है कि यूनिवर्सिटीज खोले, क्योंकि वहां से अगला खतरा इनको साफ दिखाई दे रहा है। किसानों का मूवमेंट ये प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता था, और ये कहना गलत होगा कि मैं ये कोई भी कह सकता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि अब किसानों का मूवमेंट शुरू होने वाला, ये नहीं कर सकते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने उनसे जो पंगा लिया, उनके ऊपर जो प्रहार किया, उसने इस मूवमेंट को मटीरियलाइज कर दिया जी। जिसकी वजह से उस प्रधानमंत्री को, जिसके बारे में आरएसएस लगातार कहती थी कि बड़े डिफिकल्ट वो लेता है और पीछे कदम नहीं उठाता, आम लोग भी ऐसा ही सोच रहे थे। लोगों की जो समझ थी वो ये थी कि मोदी नहीं मान सकते, मोदी बैक स्टेप नहीं हो सकते, हो गए। हमारी भी यही समझ होती है कि फैशिस्ट फोर्सेस बड़ी मुश्किल से पीछे कदम हटाते हैं, लेकिन यहाँ कदम हटाना पड़ गया जी। गौहर साहब, आप अभी भी आपने अपनी बातचीत में किया, वर्तमान सरकार या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के मुखर आप आलोचक हैं, जबकि सरकारें कोई भी दूध की धुली नहीं रही, तो खास वजह क्या है भाजपा के विरोध की? देखिए, इससे पहले तक मेरी जिंदगी और मेरे दोस्तों की जिंदगी, खाली मेरी जिंदगी नहीं, वो जो भी वर्तमान सरकार रही उसके खिलाफ लड़ने में गई है। इमरजेंसी के पीरियड में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी का पीरियड था, इंदिरा गांधी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे थे और उनकी जो भी प्रवृत्तियाँ थी उसके खिलाफ। 90s की शुरुआत, 80s की बाद की शुरुआत लिबरलाइजेशन की है तो कांग्रेस थी उस वक्त, नरसिम्हा राव और उनकी गवर्नमेंट्स लिबरलाइज कर रही थी, हम उसके खिलाफ। तो जिंदगी आधी तो कांग्रेस के खिलाफ कटी है। बिल्कुल। तो एक तो वजह यह है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, अगर वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है तो उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाने रहने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। लेकिन आरएसएस की सरकार, और मैं बीजेपी हो, दुर्गा वाहिनी हो, वीएचपी हो, इन सबको आरएसएस मानता हूँ जी, मैं इनमें कोई फ़र्क पैदा करने वालों में से नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है, भ्रम होता है कि बीजेपी अलग है और आरएसएस अलग है और अलग अलग फ्रंट्स हैं उनके, मैं इनको सबको एक ही मानता हूँ। तो ये जो आरएसएस की सरकार है, ये इस मुल्क को पाकिस्तान की इमेज में ढालने की कोशिश में लगी हुई, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। ये धर्म का इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों ने जो राजनीति हमारे यहाँ अपनाई थी डिवाइड एंड रूल की, ये उन्हीं की औलादें हैं, कम से कम इंटेलेक्चुअल औलादें, आप आइडियोलॉजिकल औलादें कहेंगे तो वो अंग्रेज़ों की कहेंगे, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश लेके आई थी। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर ही चल के इस मुल्क की राजनीति को चलाना चाहते हैं, और इस डिवाइड एंड रूल में नफरत बहुत बड़ा रोल अदा करती है, जिसमें दलितों के खिलाफ नफरत, जिसमें आदिवासियों के खिलाफ नफरत, जिसमें माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत, ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। और इसलिए साइंटिफिक टेंपर के ऊपर हमला है जो बहुत तेज़ी से बढ़ा है इस बीच में, इसलिए लोगों के भाईचारे के ऊपर हमला है, और इस वजह से बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस की गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो 70 साल में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने हैं उनको पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं। कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कमजोरियां हो सकती हैं, वो डिबेट जी का मुद्दा है, लेकिन ये कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल करके मनुस्मृति लागू कर देना जी, ये सिर्फ और सिर्फ यही फोर्सेस कर रही इस मुल्क में, और कोई पार्टीज
मुझे नहीं दिखाई देती जो पूरी तरह से इस मुल्क के डेमोक्रेटिक ढांचे को ख़त्म करना चाहती हूँ। इसलिए इनका ऑपोजिशन उससे कहीं ज़्यादा होने की ज़रूरत है जो और पार्टीज की सरकारों के दौरान अब तक होता रहा है। आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है? ये फैशिस्ट है जी। गौहर साहब, आप शायर हैं, जनता के शायर हैं, जन कवि हैं, बहुत सारे लोग आपको राजनीतिक शायर भी कहते हैं और इसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ी हैं, मुकदमे झेले हैं, ट्रोल हुए हैं, उसके बावजूद आपने ये जो तीखापन है, पैनापन है अपनी शायरी में, इसको छोड़ा नहीं, इसकी क्या वजह है? बर्तोल्ट ब्रेख्त का ये कहना है कि जो राजनैतिक इलिटरेट होता है वो सबसे ज़्यादा इलिटरेट होता है। उसका क्या मतलब है कि अगर कोई ये कह रहा है कि मैं राजनीतिक शायरी नहीं कर रहा, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो वो ये जानता नहीं कि वो कौन सी राजनीति कर रहा है। बहुत सारे लोगों को इस पे फख्र होता है कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं जी। तो वो ये कह रहे होते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसकी राजनीति मुझे पता नहीं। अगर आप इश्किया शायरी भी कर रहे हैं तो भी आप राजनीति ही कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि कौन सी राजनीति कर रहे हैं। मैं एक साइंटिस्ट था, जिंदगी उसमें गुजरी है मेरी, ये अलग बात है कि बचपन से ही लिटरेचर में बहुत और शायरी में बहुत इंटरेस्ट रहा है, लेकिन ये कि अगर मैं राजनीतिक शायरी नहीं करता तो शायद कोई सी भी शायरी नहीं करता। और यहाँ याद करना बहुत ज़रूरी है सादत हसन मंटो को जी। सादत हसन मंटो एक जगह ये कहते हैं कि ये समाज सड़ा गला समाज है और मैंने जिम्मेदारी ली है इसके घूरे या डस्टबिन को कूड़े देने की, और ये जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी जी। और अगर मेरी शायरी में, मेरी में, मेरे लेखन में आपको बदबू दिखाई दे रही है तो ये समाज की बदबू है जिसको आपको समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं इस समाज को क्या नंगा करूंगा, ये तो खुद ही नंगा है। तो मेरा मानना यह है कि कुछ शायरों को तो कम से कम ये जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी और लेंगे, हर दौर में लेंगे लोग, के जो इस समाज की गंदगी को कुरेद करके उसे सबके सामने रखे। मैं पॉलिटिकल शायरी के अलावा और कोई शायरी करता ही नहीं, इसलिए भी के दूसरी तरह की शायरी करने वाले बहुत लोग हैं और इतना कुछ कहा जा चुका है पिछले 200 साल में उर्दू लिटरेचर में, तो ख़ास तौर से बाकी सारे लिटरेचर्स के बारे में भी ये बात शायद सही है कि इश्किया शायरी हो, नेचर की शायरी हो, ये सारी शायरी में इतना कुछ कहा जा चुका है कि अब कुछ कहने को बाकी नहीं है, नया कहने को तो नहीं है जी। पुराने अल्फाज को, पुराने ख्याल को आप डिब्बे में डालें, उनको हिलाएं, उनमें से निकाल लें और फिर कहने में सब नहीं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा मानना यह है कि युवा को हमसे बेहतर होना होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो हमसे बेहतर नहीं होंगे तो तरक्की रुक जाएगी, मानवता की भी और समाज की भी। और बेहतर होने का मतलब ये है कि सबसे पहले एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश, एक बेहतर दुनिया का ख्वाब देखना होगा। बिल्कुल। और ये ख्वाब एक कंप्लीट ख्वाब होना चाहिए जिसमें राजनीति, सामाजिक उन्नति, एनवायरनमेंट और जो गैर बराबरी है समाज में, उस सब के बारे में एक कंप्लीट ख्वाब देखना पड़ेगा कि दुनिया बेहतर हो इन सारे डायमेंशंस में। मैं समझता हूँ कि पीढ़ी मेरे कहे बिना, मेरे मैसेज के बिना ये ख्वाब ज़रूर देखेगी, बेहतर होगी और आने वाले देश को, समाज को, दुनिया को बेहतर बनाएगी। एक सवाल और उभर रहा है,
आपने अभी एक सीरीज बनाई है री इमर्जिंग इंडिया, तो कैसे इंडिया का ख्वाब आप देखते हैं? आपके ख्वाब में इंडिया कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए? अगर बहुत छोटे तौर पे ये बताया जाए कि कैसा होना चाहिए, तो मैं ऐसा देश देखना चाहता हूँ जहाँ हर इंसान, जहाँ हर नागरिक साइंटिफिकली टेम्पर्ड होगा, जहाँ अमन चैन और शांति होगी, जहाँ हम उन्नति के रास्ते पर बढ़ने के लिए एक दूसरे का सहारा बनेंगे, और जिस हिंदुस्तान में धमकियाँ देना खुद अपने देश के अंदर किसी को या देश से बाहर दूसरे मुल्कों को बिल्कुल बंद हो जाएगा, हम दूसरे देशों के साथ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप पैदा करेंगे और इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि दुनिया इंटीग्रेट हो, मानवता इंटीग्रेट हो, और ये बिना साइंटिफिक टेंपर के पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइंटिफिक टेंपर का एजेंडा उस देश में सबसे सर्वप्रिय एजेंडा होगा। भ्रांतियाँ दूर की जाएंगी और हर एक को अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में और अपनी उन्नति के लिए इस्तेमाल कर सके। जी, आप शायर हैं और इस बातचीत का जो अंत है वो बिना शायरी के मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, तो कोई शायरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, नई या पुरानी से कोई मतलब नहीं, जो आपके दिल के करीब बहुत है, उसको आपने जो शुरुआत की थी आपने कि बहुत सारी चीज़ें जब आप पॉलिटिकल शायरी करते हैं तो झेलनी पड़ती है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके अपने दोस्त कभी कभी कहने रखते हैं कि बड़ा संभल के बात करो, थोड़ा इतना ज़्यादा मत करो, तो खामोश रहने के लिए कहा जाता है। ये असल में मैसेज ये होता है कि खामोश खामोश, तो आवाज़ उठाना लाजिम है। मेरी नज़्म वो सुना देता हूँ आपको। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो, जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है, जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो। क्या बात, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूँ सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं। बहुत खूब, शानदार, और ये मुलाकात भी मुझे लगता है उतनी ही शानदार रही है हमारे दर्शकों के लिए भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद।